गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। दिल धक धक कर रहा है, पेपर आने वाला है सीए फाउंडेशन का। मेरी बात सुन लो, बिल्कुल एंड गेम स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये लास्ट मौका है, जो कर गया वो पेपर पार कर जाएगा, पेपर उड़ा देगा, जो नहीं करके गया वो खतरे में आ सकता है। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम जो बच्चा सीए फाउंडेशन जून 2023 का पेपर देने वाला है, वो अलग अलग पैटर्न पे सोच रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके चारों के चारों सब्जेक्ट परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर हैं, उनको क्या करना है मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट बढ़िया चल रहा है, तीन वीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दो सब्जेक्ट बढ़िया हो गए, दो वीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके मतलब डामाडोल चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का लग रहा है थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। उसके लिए भी मेरे पास स्ट्रेटेजी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है यार अब तो गड़बड़ी हो जाएगी, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, चारों सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई हर एक बच्चे के लिए बात बताऊंगा। सबसे पहले उस बच्चे को उड़ाते हैं जिसने चारों पेपर की बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, और वो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन जून 2023 में पेपर देने वाला। भाई चार वाले को तो सिंपल हिदायत है मेरी, प्यार प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूं कि जो तुम्हारे आरटीपी होते हैं पेपर वन और पेपर टू के मत छोड़ो, एमटीपी होते हैं चारों पेपर के 1-4 चारों के मत छोड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सीए वाला यूट्यूब चैनल के जून के फर्स्ट वीक में आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास हर एक सब्जेक्ट के आ जाएंगे, वो मत छोड़ो। तुम्हारे पास तो लास्ट चीज बची हुई है, तुम सब कुछ कर चुके हो, अगर रिवीजन नहीं करी तो रिवीजन कॉन्सेप्ट्स के शुरू कर देना, बस बेसिक चीज आपके लिए है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट डामाडोल है, दो सब्जेक्ट डामाडोल है, या तीन सब्जेक्ट डामाडोल है, या चारों में मामला खराब है। तो डामाडोल की बात सुनो, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट परफेक्ट तरीके से कर चुका है तो उस सब्जेक्ट के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आरटीपी एमटीपी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लो जिसमें भी तुम स्ट्रांग हो। लेकिन मुद्दा आज का ये है कि जहां आप स्ट्रांग नहीं हो वहां आप क्या करोगे, वहां मेरी बात सुनना। देखो जी, पेपर नंबर वन की बात कर लो, यहां पर अकाउंटेंसी वाले सर ऋषभ सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं पेपर नंबर वन। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 जो है ना कैडे लेवल पे, इनके पीछे पड़ जाओ, ज्यादातर पेपर यहीं से आएगा। और थ्योरी वाला एक मेजर पोर्शन होता है, इसको बाद में करना। थ्योरी के लिए ऋषभ सर ने वीडियो बना रखी है, थ्योरी की वीडियो देख लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, पेपर वहीं से आएगा, समझ रहे हो। दूसरी बात, बहुत शॉर्ट के अंदर बात कर रहा हूं आपसे मैं, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो बात आप ध्यान रखोगे बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ के बारे में क्या ध्यान रखोगे, पेपर नंबर टू है तुम्हारा। जिस बच्चे को यहां पर वीकनेस लग रही है, मैंने बता रखा है वैसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लेकिन अब एंड डेज चल रहे हैं ना तो पैटर्न थोड़ा अलग है। मैंने बताया था आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस करना है, लेकिन अभी स्टार्ट कर दोगे एकदम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मामला थोड़ा कंफ्यूज जाओगा, डगमगा जाओगे कॉन्सेप्ट के बीच में। तो भैया पहले मेरी बात सुन लो, आप आ जाओ सीधा सीधा गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्ट होता है जो आपका, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, सेल्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सोगा, सोगा पे आ जाओ। फिर बच्चे एलएलपी एक्ट करेंगे, फिर पार्टनरशिप पे आएंगे, समझ लो, फिर कहीं कंपनी पे आ जाओ, कंपनी एक्ट पे, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद आना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना तुम पढ़ोगे उतना फंसोगे। ओवरव्यू लेना है इनिशियल, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आपके पास पूरा का पूरा चाणक्य बैच अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर रिवाइज करने के लिए चीजें। और अब मुद्दे की बात क्या है, यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन में फंस जाते हो सर, बीसीआर के 40 नंबर है उसका क्या करें। भैया बीसीआर के जो चैप्टर मैं आपको बताऊं, चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 5 तक है यही आपके काम के चैप्टर है, जो बाकी इसके बाद के चैप्टर है वो थोड़े हल्की वेटेज के हैं, तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब करने वाले हैं। जिस बच्चे की वीकनेस है, जो बच्चा यहां तक परेशान हो गया है, उन बच्चों के लिए सोल्यूशन बता रहा हूं, वो सिर्फ इनको कर जाओ, 5 के साथ 6 भी कर देना अगर तुम्हारे पास टाइम लग जाए तो। यहां तुम्हारा सॉर्ट हो जाता है टॉपिक्स का पैटर्न कि भैया ये टॉपिक्स कर जाएंगे। लेकिन वीडियो मैंने बोला ना एंड तक देखनी जरूरी है, क्योंकि मुद्दे की बात भी बताऊंगा, ये सब करने के बाद कहां जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ जी मैथमेटिक्स पे, पेपर नंबर 3 तुम्हारा मैथ्स का है। मैथ्स वाले बच्चे कहां फंसते हैं, मैथ्स वाले बच्चे बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं, और उनसे अगर मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहे तो वो फंस रहे हैं। तो बाबू एंड डेज बचे हैं, किसी भी तरीके से पेपर निकाल लो, जो गलतियां अभी करी हैं आगे इंटर में रिपीट मत करना, डिसिप्लिन से टाइम टेबल बना के मेहनत से स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है। क्या करोगे पेपर नंबर 3 में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई नहीं छोड़ के जाएगा। स्टैट्स तुम्हारा एक बहुत ईजी पोर्शन होता है,
स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी कर लो, मीन मोड मीडियन, भैया इजी है, आठवीं नौवीं से पढ़ते आ रहे हैं, कोरिलेशन भी ग्यारहवीं की स्टैट्स में पढ़ा था, बस हल्का सा यहां पर रिग्रेशन भी है, रिग्रेशन होता है तो ठीक है वरना आगे बढ़ो। आप डिस्पर्शन पहले पढ़ चुके हो, इतना करने से तुम्हारा पेपर पार हो रहा है भाई, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इतना करने से तुम्हारा पेपर पार हो रहा है। मैथ्स में जो डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है, जो बच्चे वो नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, वो ना करके भी इतना सा कर जाओगे तुम्हारा पेपर पार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुद्दे की बात आ जाती है पेपर नंबर फोर इकोनॉमिक्स पे, तो भैया पेपर नंबर फोर इकोनॉमिक्स भी देख लो, पेपर नंबर फोर का क्या करोगे वो तो मैं ही पढ़ाता हूं। तो मुद्दे की बात, हाई वेटेज चैप्टर टारगेट करना है सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हाई वेटेज टारगेट मत करो, मेरी बात मान लो, एंड का टाइम चल रहा है, तो बिजनेस इको जो तुम्हारे 60 नंबर की है, इसकी कहानी सुनना जरा, इसका चैप्टर नंबर 5 है, एक घंटे में हो जाएगा, 9 से 12 नंबर का चैप्टर है बिजनेस साइकिल, पहले इसको फोड़ दो, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, समझ लो, किसी भी चैप्टर का अगर शुरुआत करनी हो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 से, बहुत कॉन्फिडेंस देकर जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये दोनों चैप्टर कर लोगे, 21 से 24 नंबर के हैं, यानी एग्जैक्ट 21 के भी नहीं है, एग्जैक्ट 24 के भी नहीं है, इसी बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे 100 नंबर का 1/4 तो यही हो रहा है। ये करने के बाद दोस्तों आप आओगे फिर बीसीके पे, बीसीके में 6 चैप्टर है, कहां कहां कितना कितना दिमाग मारोगे, जो चैप्टर नंबर 3 है ना सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों को वही लगता है, चैप्टर नंबर 3 में बच्चा फंसता है, तो उसको तो डेली थोड़ा थोड़ा किसी कंपनी की डिटेल पढ़ लो, तो ऐसे करके तुम कर सकते हो, नहीं तो जो बच्चा मतलब बिल्कुल ही फंसा हुआ है, पास फेल वाले चांस गड़बड़ी हो रहे हैं, वो इस चैप्टर को छोड़ के भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा है, 6 से 7 नंबर का आना है, और लास्ट वाला चैप्टर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा है, आधी से ज्यादा टर्म्स तुम्हें वैसे ही आती है नॉर्मल बिजनेस लाइफ की तुम्हें आती है, तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो बहुत कुछ क्वेश्चन तुम ठीक करके आ जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें उस पर। तो बीसीके में अगर आप ध्यान लगाओगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 आपको कॉम्बो में, या तो 1, 2 पढ़ लो पहले, टाइम बचेगा तो 4, 5 भी पढ़ लेना, हर एक चैप्टर 6 से 7 नंबर का होता है। अब इसमें मसाले वाली बात यह है कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखते ही तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या उनकी कोटेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको सीए वाला चैनल पर अवेलेबल है, उसको प्लीज जाकर देख लो, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सराहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दा आता है छुट्टी का यार, अब बच्चा ना ये सोचने लग जाता है कि सर मेरे पास एक दिन और होता तो मैं अच्छे से कर लेता, या एंड में सोचने लग जाओगे, भाई वो एक दिन पहले ही ले लो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है इकोनॉमिक्स में तो एक दिन पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो, 2 दिन आ रही है अकाउंट्स में तो 2 दिन अकाउंट्स पढ़ लो, 3 दिन आ रही है लॉ में तो 3 दिन लॉ पढ़ लो, 4 दिन आ रही है मैथ्स में, अभी दिन है तुम्हारे पास, छुट्टी ये मत सोचना बाद में एक दिन और मिल जाता तो ऐसे हो जाता, तुम एडवांस में उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दो जहां पर तुम्हारी वीकनेस है। मुद्दा अब जो जो खतरे में है उसके लिए बात, भाई सारा मुद्दा आके टिकेगा मैराथन पे, जो भी तुम रिवाइज करोगे कोई बात नहीं, कवर अप कैसे होगी, रिवाइज के बाद भी एक रिवाइज होती है, उसको कवर अप बोलते हैं, कवर अप करना कोर्स को, कवर अप होगा तुम्हारा मैराथन में। मैराथन में दोस्तों आपका पहला पेपर, कैसे कैसे पेपर आपका, 24 जून, 26 जून, 28 जून, 30 जून, ये 4 दिन आपके पेपर है। प्रपोज है कि अकाउंटेंसी की जो मैराथन है आपको 2 दिन पहले 22 जून को मिल जाएगी, इस दिन आप पढ़ना शुरू कर सकते हो मैराथन के थ्रू, और फिर 26 तारीख को लॉ का पेपर है तो 25 को लॉ की मैराथन, 27 को मैथ्स की मैराथन, और 30 को आपका इकोनॉमिक्स है तो 29 को इकोनॉमिक्स की मैराथन। मैराथन बहुत बड़ा रामबाण हथियार साबित होता है एंड टाइम पे, एंड गेम यही है कि मैराथन पे रिलाय करना होगा, लेकिन एकदम से मैराथन देखने लग जाओ तो कचरा हो जाएगा दिमाग का। जो मैंने बेस बताया है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो वो बेस कवर अप कर लो, उसके बाद मैराथन आपके काम में आएगी, आप बहुत अच्छा पेपर में करके आओगे। मेरी तरफ से दोस्तों आपको ऑल द बेस्ट है, लेकिन हमेशा की तरह कहता हूं कोई भी दिक्कत डाउट परेशान नहीं हो, आपकी कोई डिमांड हो मुझसे, क्योंकि आपने एक ऐसे कैडे लेवल की बॉन्डिंग बनाई है कि आपसे प्यार, प्यार का मतलब वो जो एहसास होता है वो अपरंपार है, तो वो बॉन्ड मैं और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब आपका रिजल्ट आए तो हम मिले, मैं आपको इनवाइट करूं, हम अच्छे तरीके से मिले, गुरप्रीत सर, राहुल सर, ऋषभ सर, मैं, आप सब मिलकर आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों उस चीज के लिए जो जो
तुम्हारी डिमांड है, मतलब ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तुम आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि सर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। चाणक्य बैच तुम्हारे लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेलिस्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज आप जाकर प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मैराथन का मैंने आपको बता दिया, जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि आप यहां से इसको कवर अप कर लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।